नमस्कार, ये है डिजिटल फोटोकॉपी मशीन का मैग्नेट डीपी 24 नंबर का एरर कोड जो रहता है, इसके कारण भी आता है और हॉपर के कारण भी आता है। टोनर से कंप्लीट भर जाता है और ये रॉड ठीक से घूम नहीं पाता, ये वाला, और ये नहीं घूमेगा तो इसका पूरा गियर असेंबली नहीं घूमेगा, ठीक है। तो जब ये मूवमेंट नहीं करता और ओवरलोड हो जाता है आपका बॉटल यूनिट और ये मैग्नेट डीपी, तो कम्प्लीटली आपको एरर कोड एक ही आएगा, 24 नंबर का एरर कोड आपका हॉपर बॉटल। जब आप उसे बुश को सही तरीके से नहीं लगाते, जो हॉपर के आगे एक बुश लगा रहता है, वाइट में भी रहता है, ब्लैक में भी रहता है, तो जब वो प्रॉपर या खराब रहता है, आप इंसर्ट कर देते हो, आपका बॉटल कंटिन्यू घूमने लगता है। उस कंडीशन में क्या होता है, स्टार्टअप में तो ये कोई प्रोसीजर नहीं दिखाता कि कोई एरर कोड देगा, लेकिन जब पूरा ब्लॉक हो जाता है तभी ही 24 का एरर कोड दिखाता है। इसमें जो टोनर भरा हुआ है इसको पूरा खाली कर दो, मैग्नेट कैसे लगाना है, किस तरह लगाना है, वो सारी चीजें। ये इसका मैग्नेट है, अब इसको हम लगा लेंगे। हम ये बड़ा वाला हिस्सा इस तरफ रखेंगे, ठीक है, और ध्यान दीजिए कभी कभी स्क्रैच, ये सारे ऐसे कई सारे इशू आए, उसके लिए प्रॉपरली आप इसको सेट करना जरूरी है। अगर ये प्रॉपर आप सेट कर देंगे, दोनों साइड इसको बैलेंस करने के लिए ये लगा रहता है, बट इसके साथ हमें एक बैरिंग लगाना पड़ता है। होल्डर को लगाने के बाद इसका डीपी प्रेशर, एक्चुअल में ये एक काम करता है कि इस यूनिट के साथ घूमते समय ड्रम को एक सेपरेट डिस्टेंस तक रखता है, इसीलिए इसको प्रेशर बोलते हैं, डीपी प्रेशर। ये दोनों होल्डर्स में लगते हैं, ये दोनों कंडीशन में आप लगा सकते हो, या तो पहले लगा दो, ओके, पहले लगाओ या होल्डर के साथ लगाओ, नो प्रॉब्लम। अब सबसे बड़ी बात, ये होल्डर किस तरफ रहेगा। अब इसके बाद इस होल्डर को मैं लॉक कर देता हूं, ये लॉक हो गया वन साइड, बट ये ब्लेड इसको नुकसान ना दे, ये जो आप ब्लेड देख रहे हो, इसके कारण इसको नुकसान ना हो तो इसे मूव नहीं करना है। पहले ये वाला होल्डर भी इसमें प्रॉपर बिठा देना है, जब दोनों साइड का होल्डर बैठ जाएगा ये प्रॉपर एक सही डिस्टेंस में रन आउट करेगा। होल्डर बिठाने के बाद इसका भी स्क्रू लगा दीजिए, देखिए। अब ये लग जाने के बाद आपको हमारा अगला स्टेप रहता है इसका बैरिंग लगाना, ठीक है। ये डीपी प्रेशर लग गया, डीपी प्रेशर भी एक टाइप का बैरिंग ही है, ओके। अब इसके बाद हमें ये सेट करना है, जो एग्जैक्टली मैग्नेट को घूमने नहीं देता, सिर्फ मैग्नेटिक इसको लगा देने से ये एक सही अनुपात में घूमेगा और सही तरीके से घूमेगा। ओके, आवाज कम हुआ ना, इसको थोड़ा डाउन कर लिए, उसके बाद इसको यूं करेंगे, ओके। अब इसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो आता है भाई हमारे गियर यूनिट का, ये दूसरे साइड का, तो ठीक एवरेजेबल, जिस एवरेज से मैंने उसको सेट किया उसी एवरेज से मुझे इसको भी सेट कर देना है। ओके, अब मैं इसकी खासियत बताता हूं, जब एक्स्ट्रा टोनर, ये मान लो हमारे कुछ डीबीज में टोनर गिरता है, ओके, तो उसका माइनस पॉइंट क्या होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए कोई दूसरा चीज नहीं रहता, बट इसमें ये है तो टोनर यहां भी गिरता है तो यही रुक जाता है,
बेस में नहीं जाने दिया गया। अब इसमें एक स्क्रू लगा देते हैं जो इसको यहाँ प्रॉपर पकड़ के रखेगा और अर्थिंग भी प्रोवाइड करेगा। मेन चीज होता है कनेक्टिविटी, ये यहाँ कनेक्ट रहता है तभी इसमें जो करंट पास होता है ये यहाँ तक आता है। अब इसके बाद गियर सेट करना है। अब अगर गियर सेटिंग की बात करें तो गियर सेटिंग इतना आसान नहीं है, ठीक है। कौन सा गियर कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये गियर तो आप डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ इतना ध्यान देना होगा कौन सा गियर किस साइड बैठेगा, ओके। ये ऐसा बिठा दोगे क्योंकि ऑलरेडी ये लगा ही रहता है पूरा सेट, ये तो बैठ गया, ठीक है, जैसे मैंने दिखाया इसमें। ऐसे बिठा देना, बट हमें मेन चीज इस पे काम करना है, इस रॉड पे कहां क्या लगेगा। अब पहला नंबर तो हमको ये लगाना है, पहला गियर। और वैसे भी जब आप इसे खोलते तो आपको समझता ही है कि किसके बाद कौन सा गियर लगेगा, ओके। ये लगने के बाद अब इसमें ये एक लगता है, पर इसका भी ध्यान देना है कि कौन सा आगे लगेगा कौन सा पीछे, उससे आप ये डन करना है आपको। ये चीज जैसे लगाओगे आपको समझ में आएगा कि भाई मुझे कौन सा कहाँ रखना है, ठीक है। ये देख रहे हैं ये मार्क इसको लॉक करने के लिए बनाया गया है, तो जिस तरह हमने लगाया है उसी तरह लगाना है। जो बड़ा वाला हिस्सा है वो आगे साइड रहेगा, एक ये दूसरा, ये थोड़ा इसके साथ परमानेंटली अटैच होते हैं इसलिए इनको लगाना थोड़ा ज्यादा सही अनुमान में काम करना पड़ता है। अगर थोड़ा भी गलती होता है ना तो ये नहीं लगते, क्योंकि ये इसके साथ बैठना रहता है, ये गियर इसके साथ बैठता है, तो ऐसे कई सारे गियर रहते हैं जो स्टेबल इसके साथ बैठते हैं। सेकेंड थिंग ये लॉक होना पड़ता है, ठीक है। अब ये तो हमने लगा दिया, बड़े प्रॉपर लगा है कि नहीं लगा है ये चीज हम चेक करेंगे। अभी ओके, थोड़ा क्योंकि इतना टोनर ओनर उड़ा है तो उसके कारण वो इधर उधर भी हो सकता है, तो उसके लिए प्रॉपर उसको घुमा के लेने का, ठीक है। और एक बार ये प्रॉपर मूव करने लगा तो समझ जाइए कि आपका काम हो गया। अब इतना हो जाने के बाद अगला स्टेप जो है इसका, ये सेकेंड हॉल इसको सेट कर लेने का और इस सेकेंड वाले गियर को लगा देने का। ठीक है, ये लगने के बाद अब इसके बाद ऑप्शन आता है भाई हम इसको लॉक करें। इसको लॉक करने के लिए एक छोटा सा बैरिंग लगा रहता है, वही ये बैरिंग भी बहुत काम का रहता है क्योंकि इसके साथ घूमने वाले ट्रिपर को घुमाता है, ठीक है, उस पर रन करता है जिसके कारण उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती और वो इजिली घूमता रहता है। ठीक है, ये भी चेक कर लेने का प्रॉपर घुमा के कि भाई काम हो रहा है प्रॉपर नहीं हो रहा है। ये आपका मैग्नेट इसमें स्टेबल हो चुका है पूरी तरह। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, हर जगह चेक कर लीजिए मैंने कुछ कमी तो नहीं रखा, सब प्रॉपर है, ओके। प्रॉपर होने के बाद हमें सिर्फ इसके स्क्रूज लगाने हैं, स्क्रू बहुत संभाल के लगाने का,
कहीं भी माइनस न चला जाए, क्योंकि किसी भी असेंबली में पूरी पकड़ उसका स्क्रू ही रहता है। अगर आपने स्क्रू सही लगाए तो वो ज्यादा टाइम तक सेफ रहेगा, बट आपने उसे प्रॉपर सेट नहीं किया है तो इसको बार बार दिक्कत आएगी, लूज होगा, टाइट होगा, इस तरह का। ये देख रहे हैं, ये प्रॉपर अब घूम रहा है, हमने ये लॉक कर दिया। अब इसके बाद जस्ट ओनली एक काम करना है, ये क्या आप देख रहे हैं, ये कनेक्टर, इस कनेक्टर के साथ हमें ये वायर जोड़ना है। जैसा इसका पिनअप है वैसे इसे जोड़ दीजिए, ये हो गया, और प्रॉपरली इसके पास ऐसे रख दीजिए बस। कोई इसमें कोई प्रेशर वाला काम नहीं, जब जैसे नॉर्मल ढक्कन रखना है ऐसा रख देने का। अब जो बैलेंस स्क्रू है वो लगा देने का, आपका काम खत्म। बट इसमें एक और चीज दिखाना चाहता हूं, एक कम रेंज वाले स्क्रू यहां बिठाना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये इसको अर्थिंग देता है। अर्थिंग का मतलब रहता है जब इसमें भी करंट पास किया जाता है, ओके, तो करंट इसके दोनों होल्स के पास जाना चाहिए, जो मैग्नेट है, मैग्नेट में करंट जाने से उसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है। एक हाथ से तो नहीं लगने वाला ऐसा लग रहा है, इसलिए मुझे दोनों हाथ इस्तेमाल करने पड़ेंगे। एक इधर लगाया अर्थिंग, एक इधर लगाया अर्थिंग, ये दिख रहा है। अब इसके बाद बेसिक जितने भी कनेक्शंस हैं वो लगा देते हैं। कनेक्शन मतलब ये स्क्रू, जो बैलेंस स्क्रू हैं, ऊपर के कई स्क्रू होते हैं लेकिन आप जितना लगा दो, दोनों साइड अगर तीन तीन चार चार भी लगा दो, इसका मैग्नेट शायद से खराब हो गया है। ये आपका रेडी हो गया, वापस से आप इसे मैग्नेट लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू, वीडियोस को देखते रहिए और कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। जिनको रिक्वायरमेंट है उनके लिए शेयर भी कीजिए मेरे वीडियोस, और गुड डे, एंजॉय।